हाय दोस्तों, नए रास्ते की शुरुआत यहाँ से होती है वैष्णो देवी के लिए। आपको नया मार्ग पे से जाना हो तो आप यहाँ से चुन सकते हैं। आपको दिखाने जा रहा हूँ नए रास्ते का वीडियो, बिल्कुल देखिए। ताराकोट 2.75 किलोमीटर, अर्धकुंवारी 7 किलोमीटर। तो देखते जाइए, बहुत ही साफ रास्ता है। कैफ़े कॉफ़ी डे भी यहाँ पे ओपन हो गया है, निशानी है। ऑटो आपको बिल्कुल यहाँ पे उतारेगा। अगर आप ऑटो पे आते हैं नए रास्ते के लिए तो आप यहाँ पे उतर सकते हैं। ये नए रास्ते का मार्ग आ रहा है और यहाँ से आप अपना नया रास्ता यात्रा स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए, जय माता दी। देखिए, नया रास्ते की शुरुआत यहाँ से है। ये देखिए, न्यू ट्रैक ताराकोट मार्ग वे टू भवन। बने रहिए हमारे साथ, बहुत सारी फैसिलिटी मैं आपको दिखाने जाऊँगा। एकदम नीट एंड क्लीन रास्ता है। आज अब आएगा मजा। वाओ, ये यहाँ पे आप चेक इन कर सकते हैं और चेकआउट। आपको यहाँ पे आके आपको अपना बैगेजेस चेक कराने हैं और जो आपकी यात्रा स्लिप है वो स्कैन करवानी है। तो हमने यात्रा स्लिप बाणगंगा से स्कैन करवा ली थी और बैग भी हम स्कैन करवा के आए हैं। तो जिन्होंने यहाँ अभी तक स्कैन नहीं कराए हैं वो यहाँ से करवा सकते हैं। देखिए, स्लिप स्कैन होगी और आपका बैग चेक होगा कंप्लीट, और उसके बाद आपकी यात्रा यहाँ से स्टार्ट होती है। यहाँ पे एक सार्वजनिक घोषणा केंद्र भी है। अगर कोई खो जाए, कोई इधर उधर मिस हो जाए तो आप यहाँ पे घोषणा करवा सकते हैं, अनाउंसमेंट करवा सकते हैं। यहाँ से हमारी यात्रा स्टार्ट होती है। ये जो आप शेड देख रहे हैं पूरा, ये न्यू रास्ते का स्टैंड है। तो आप देखते जाइए, बने रहिए हमारे साथ। बोलिए प्यार से जय माता दी। पहला भोजनालय आप देख रहे हैं, नए रास्ते का पहला भोजनालय मैं आपको दिखा रहा हूँ। सब कुछ रीजनेबल है और बहुत ही अच्छा है। आइए देखते हैं खाना कैसा है। दोस्तों, फाइनली हम अर्धकुंवारी पहुंच गए हैं और अर्धकुंवारी की तरफ जाने के लिए अब हम जा रहे हैं ऊपर। ये अर्धकुंवारी की तरफ रास्ता जा रहा है। अर्धकुंवारी में दोपहर के 3:30 बजे का नज़ारा आप देख रहे हैं। दोपहर के 3:30 बजे, और फॉग देखिए आप कैसी फॉग हो रही है। बहुत शानदार और देखने वाला नज़ारा है ये। पर्ची को वेरीफाई करवाना है आपने। यात्रा पर्ची कक्ष है। यात्रियों से निवेदन है कि अपनी यात्रा पर चेक करवाएं और ग्रुप नंबर प्राप्त करें। यहाँ पे आपकी जो पर्ची आप नीचे से लेके आए हैं यात्रा स्लिप, वो यहाँ पे आपने दिखानी है और ये स्टैंप लगा के उसको वेरीफाई करेंगे, तब आप यहाँ से आगे जा पाएंगे। तो ये आप ज़रूर देख लीजिए ध्यान से और ज़रूर इस चीज़ को फॉलो कीजिए और यहाँ पे स्टैंप लगवा के फिर आगे जाइए अपनी यात्रा पर्ची पे। ठीक है दोस्तों, देख लीजिए ये पीछे से हम आ रहे हैं, ये लाइन आती है, आज लाइन नहीं है और यहाँ पे आपने स्टैंप लगवानी है और यहाँ से स्टैंप लगवाने के बाद फिर आपने यहाँ से आगे जाना है। देखिए भवन सिर्फ 500 मीटर, आधा किलोमीटर रह गया दोस्तों। ये देखिए आधा किलोमीटर की दूरी पे भवन है, देखिए वो सामने भवन नज़र आ रहा है। मैं आपको दर्शन करवा देता हूँ यहीं से थोड़ा सा आगे, शायद वीडियो अलाउड ना हो भवन में जाके, भवन में फ़ोन अलाउड नहीं है, इसलिए मैं आपको यहीं से थोड़ा सा दिखा देता हूँ व्यू। आधा किलोमीटर की दूरी पे ये भवन है, हम जा रहे हैं अभी, बस थोड़ी देर में दर्शन करेंगे बहुत अच्छे माता रानी के। उम्मीद कर रहा हूँ वीडियो आपको अच्छी लगेगी।